उनसे और ऑनरेबल डीजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के मुसाफिर से कि अगर अगर वो बेचारे गरीब गुजर की बच्ची है जो 9 महीने से गायब है, तो वहाँ जो SDPO लगाया, जो जो SP यहाँ का इंचार्ज है, उनको 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 उनका फर्ज बनता है अगर वो इसमें कोताही करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। वहाँ SHO के खिलाफ उसका SHO को दायन हाजिर हो जाना चाहिए अगर वो लड़की बरामद नहीं करवा सकता है। क्योंकि मैं प्रोसिक्यूटर रहा हूँ, मैं तजर्बे की बिना पर आपको कह सकता हूँ, मैं आज एज ले मैन बात नहीं कर रहा हूँ, एज ए लॉ मैन बात कर रहा हूँ कि अगर वो एक गुजर की बच्ची है, बेचारे गरीब की बात कि जहाँ तक गुजर कम्युनिटी का तल्लक है और पहाड़ी कम्युनिटी का तल्लक है, तो मुझे लगता है कि इनके हकूक पिछली गवर्नमेंटों ने इनके हकूक नहीं मिले, इनको दबा के रखा है। कश्मीर में अगर अगर आप कश्मीर में चले जाएँ तो जहाँ गुजर बस्ती स्टार्ट होती है वहाँ बिजली का पोल वहाँ तक लगता है, सड़क वहाँ तक होती है, और आगे जहाँ गुजर बस्तियाँ हैं वहाँ बिल्कुल ना बिजली होती है, ना पानी होती है, ना सड़क होता है, ना स्कूल होते हैं। हम ये चाहते थे कि सेंटर ने अगर ये टेक ओवर किया है स्टेट को, तो कम से कम वो इस बात को इंश्योर करेंगे कि जो इन लोगों के हकूक पहले नहीं मिले थे तो उनको हकूक। आप नाज़रीन, मेरे आज चौधरी, आप देख रहे हैं द एक्सेस पॉइंट। आज हम बड़ी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं और इनका तल्लक जो है वो दरखेज़ ज़मीन जो है वो पुंछ से है, और जनाब इश्तियाक भट्टी साहब से। इश्तियाक साहब, आपका द एक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। शुक्रिया। मैं आज पुंछ एरिया और राजौरी की बात करें तो बड़ा दरखेज़ है, और लेकिन आज से पहले कितनी सरकारें आई हैं उनकी बात करें अगर, तो या फिर अब जो है 370 हटने के बाद जो हमें उससे पहले जो सरकार की तरफ से किए गए थे उनको मद्देनजर रखते हुए, लेकिन आज भी किसी तरह का भी कोई डेवलपमेंट का काम है वो नहीं हो रहा है। लेकिन हम टूरिज्म के लिहाज से अगर देखें तो राजौरी पुंछ एक बड़ी अच्छी जगह है, लेकिन सरकार ने आज तक उसको निगलेक्ट किया है। तो इस पे मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपका सुरनकोट से तल्लक है और बड़ी अच्छी जगह है, लेकिन आज तक सरकार इस चीज़ को टूरिज्म में अगर बात कर, आपसे जानना चाहूँगा कि टूरिज्म अगर राजौरी पुंछ में हो तो कितनी बेरोजगारी खत्म हो सकती है, इसकी हम चर्चा करेंगे। रियाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आज ये वक्त दिया और ताकि मैं आपको कुछ ख्याल आजार कर सकूँ। तो मैं एक शेर से शुरू करूँगा कि टपके शमा आंसू बन के परवाने की आंखों में, सरापा दर्द हूँ हसरत पर यह है दास्तां मेरी, कि हर दर्दमंद दिल को रोना मेरा रुला दे, बेहोश जो पड़े हैं शायद उनको जगा दे। तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आफ्टर 47 जब हमारा डिस्ट्रिक्ट राजौरी पुंछ जो है वो यहाँ रह गया, और कुछ हिस्सा हमारा जिसको सोकाल POK हम कहते हैं, वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, तो वो काफ़ी सारा हिस्सा जो हमारा जिसमें हमारे दो तबका के लोग बसते थे, पहाड़ी और गुजर, तो ये तकसीम होने से सबसे ज़्यादा नुकसान जो है राजौरी पुंछ का हुआ है। उसकी वजह ये है कि ना तो हमें कश्मीरी लीडरशिप ने कभी एक्सेप्ट किया, ना कभी जम्मू वालों ने हमें वो एक्सेप्ट किया, और जो देग दिल्ली से आती थी वो उस पर उस तकसीम में से हमें कुछ नहीं मिलता था, वो आधा से ज़्यादा हिस्सा कश्मीर में चला जाता था और कुछ जो बचता था वो जम्मू में खर्च होता था, जिसकी वजह से हमारा राजौरी पुंछ बैकवर्ड रहा है। अगर आप आज भी देखेंगे तो रावला कोट जो एरिया है हमारा पुंछ का उस तरफ, ये पुंछ का एक हिस्सा होता था, मुजफ्फराबाद, रावला कोट, तहसील बाग, कोटली, मीरपुर, अगर वहाँ आप जाके तरक्की देखेंगे तो वो पुंछ से कहीं ज़्यादा उनकी तरक्की हुई है। वहाँ पुंछ जो हमारा डिस्ट्रिक्ट उधर है आज़ाद कश्मीर में, यानी सोपाल POK में, वहाँ चार मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, सड़कें उनकी बड़ी अच्छी हैं, लेकिन जब हम राजौरी पुंछ को देखते हैं तो हमें रोना आता है। सर, अगर बात करें अभी सरकार की तरफ से जो है वादे भी किए गए थे, लेकिन उस तरह से सरकार तो आगे नजर नहीं आ रही, लेकिन मेरा एक सवाल रहेगा, 370 हटने के बाद सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि गुजर आबादी की तरफ से, गुजर कम्युनिटी की तरफ से जो है वो वेलकम स्टेप जो था गुजर कम्युनिटी की तरफ से लिया गया था, लेकिन उस तरह से भी अगर देखें तो आपका क्या कहना है कि किस तरह की चेंजिंग जो है वो जम्मू कश्मीर में हो रही है?
रियासम, मैं ये बताता चलूँ आपको कि 370 जो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ से हटाया वो एक बड़ा ब्लेंडर किया। 370 को नहीं हटाना चाहिए था, ये एक शनाख्त थी जम्मू कश्मीर की, और फिर जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का जो दर्जा दिया है ये भी नहीं देना चाहिए था। लद्दाख वालों को दे देना चाहिए था, उससे हमें कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि वो 30 साल से इस जदोजहद में लगे हुए थे कि हमें यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाए। लेकिन जहां तक जम्मू कश्मीर का तल्लुक है, गुजरों ने इसलिए 370 का स्वागत किया था कि भाई ठीक है 370 का गुजरों को पहले भी कोई फायदा नहीं था, बाद में मिली, तो सोचा था कि जो हमारा फॉरेस्ट एक्ट है सेंटर का वो यहां लागू होगा और गुजरों को जो वो उनको 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 वो हकूक उनके तहफ़ होंगे, उनको जंगल में जाने दिया जाएगा, उनके डहरे नहीं डाए जाएंगे, वो जहां जहां बैठे हैं फॉरेस्ट जगहों पे अपने माल मवेशी को पालते हैं तो वो फॉरेस्ट एक्ट जहाँ पूरे मुल्क में लागू हो तो यहाँ भी लागू हो। लेकिन बदकिस्मती से एक साल से ज़्यादा अर्सा गुजर चुका है तो फॉरेस्ट एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ लागू नहीं किया, तो गुजरों का भी कोई इसमें खास 370 जाने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम तो ये सोचते थे अगर 370 गया है कम से कम गुजरों को उनके हकूक तो मिलेंगे फॉरेस्ट एक्ट लागू हो। सर मेरा एक सवाल रहेगा आपसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री का स्लोगन तो था, लेकिन आज भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है मुस्लिम कम्युनिटी को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। एक बेटी आपने सुना ही होगा, एक बेटी जो बड़ी ब्राह्मणा के अंदर उसको 9 महीने से जो है वो किडनैप की गई है, 13 साल बच्ची, और पुलिस जो है आज तक नाकाम है, आखिर इसके पीछे कारण क्या है? यासम, क्योंकि मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहा हूं, चीफ प्रोसिक्यूटिंग अफसर भी रहा हूं, और मेरा 30 साल का तजर्बा है एज प्रोसिक्यूटर, पुलिस में था पहले, जब से ये 370 खारिज हुआ है तो हमारा डिपार्टमेंट जो है प्रोसिक्यूशन का ये पुलिस विंग से अलग हो गया। लेकिन मैं तजर्बे की बिना पे आपको ये कहता हूँ कि ये पुलिस का काम है, अगर किसी की बच्ची नाबालिग बच्ची को किडनैप किया जाता है वो मिसिंग हो जाती है तो ये पुलिस का काम है उसको ढूंढ निकालना, उसको रिकवर करना। तो मैं ऑनरेबल वर्दी आईजी जम्मू जोन से और ऑनरेबल डीजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के मुताबिक से कि अगर वो बेचारे गरीब गुजर की बच्ची है जो 9 महीने से गायब है तो वहाँ जो SDPO लगा है, जो SP यहाँ का इंचार्ज है, उनको 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 उनका फर्ज बनता है अगर वो इसमें कोताही करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। वहाँ SHO के खिलाफ उसका SHO को दायन हाजिर हो जाना चाहिए अगर लड़की बरामद नहीं करवा सकता है। क्योंकि मैं प्रोसिक्यूटर रहा हूँ, मैं तजर्बे की बिना पे आपको कह सकता हूँ, मैं आज एज लेमैन बात नहीं कर रहा हूँ, एज ए लॉ मैन बात कर रहा हूँ कि अगर वो एक गुजर की बच्ची है, बेचारे गरीब की बच्ची है तो वो क्यों रिकवर नहीं हुई? अगर किसी अमीर की बच्ची होती, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की बच्ची होती, किसी पॉलिटिशियन की, किसी ऑफिसर की बच्ची होती तो कभी क्यों रिकवर की? सर जम्मू में बात की, 370 की भी बात हुई, लेकिन मेरा एक ये कहना है कि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, 370 हटने से पहले भी जम्मू कश्मीर को बड़े सब्ज बाग जो है वो दिखाए गए सेंटर की तरफ से। सत्यपाल मलिक जी आए तो 1 लाख नौकरी बताई, जीसी मुर्मू आए तो 50,000 रुपये आ गए, अब जो है LG मुर्मू जी का कहना है कि 25,000 जो है वैकेंट सीटें हैं उनको कवर करना है, तो उसके लिए जो हमने पोस्ट क्रिएट करनी है। तो दिन ब दिन जो है सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं लेकिन कम हो रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट ग्राउंड के ऊपर नहीं हो रहा है, तो इसके ऊपर आपकी क्या रहेगी, क्या टिप्पणी होगी? रियाज साहब, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जब मैं मुलाजमत से ये देखता चला आ रहा हूँ कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP की यहाँ सरकारें रही हैं और BJP भी एक वक्त में PDP के साथ शामिल थी, और ख़ासकर अगर मैं ये कहना बजा होगा कि जहाँ तक गुजर कम्युनिटी का तल्लक है और पहाड़ी कम्युनिटी का तल्लक है तो मुझे लगता है कि इनके हकूक पिछली गवर्नमेंटों ने इनके हकूक नहीं मिले, इनको दबा के रखा। कश्मीर में अगर आप कश्मीर में चले जाएं तो जहाँ गुजर बस्ती स्टार्ट होती है वहाँ बिजली का पोल वहाँ तक लगता है, सड़क वहाँ तक होती है, और आगे जहाँ गुजर बस्तियाँ हैं वहाँ बिल्कुल ना बिजली होती है, ना पानी होती है, ना सड़क होता है, ना स्कूल होते हैं। हम ये चाहते थे कि सेंटर ने अगर ये टेक ओवर किया है स्टेट को तो कम से कम वो इस बात को इंश्योर करेंगे कि जो इन लोगों के हकूक पहले नहीं मिले थे तो उनको हकूक मिलने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से पिछले जैसे आपने अनएम्प्लॉयमेंट का जिक्र किया है कि नौजवान लोग पढ़ लिख के आप अनएम्प्लॉयड हैं, तो नौजवान लोग भी ये सेंटर की तरफ देखते थे कि अच्छे दिन आ जाएंगे, हमें मुलाजमतें मिलेंगी, हमारी नौकरियां बहाल होंगी। लेकिन मुझे दुख के साथ ये कहा जाता है कि मैं दुख के साथ ये कहता हूँ कि हमारे स्टेट के अंदर इस वक्त नौजवान परेशान हाल है,
और वो अनसर्टिनिटी का शिकार है, उसे अपना अपना फ्यूचर जो है वो डार्क नजर आता है। इसके लिए मैं ऑनरेबल गवर्नर से और सेंट्रल गवर्नमेंट से आपकी चैनल के वसादत से अपील करता हूँ कि कम से कम जिन नौकरियों का आपने वादा किया है उनको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करें, उन नौकरियों को इंश्योर करें कि वो नौकरियाँ नौजवानों को मिलें, ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस इस गवर्नमेंट पे, मौजूदा सिस्टम पे बहाल हो सके। सर, गुजरों की अगर बात की जाए तो गुजर लोगों का बड़ा ही जो है एक रुझान था बीजेपी की तरफ से, लेकिन कल से हमें जो देखने को मिल रहा है बीजेपी पार्टी जो है, बीजेपी के युवा मोर्चा जो लोग थे वो जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अपनी मांगों को लेके चल रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी कहीं कमज़ोर नज़र नहीं आ रही है। क्या अब जो है ये जो हमारी कम्युनिटी, जो गुजर कम्युनिटी के लोग हैं, क्या इनको अब सही राह देखनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि हमारा जो मुस्तकबिल किस तरह है? रियाज साहब, गुजरों के बारे में एक शेर कहूँगा, वो इन पर बड़ा फिट बैठता है कि वाहिद तंग नजर ने मुझे काफिर जाना, तो काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूँ। गुजर बेचारे को सांबा में उसकी कोला जलाया जाता है, उसके घर जलाया जाता है, उसको उसकी बेटी का रेप किया जाता है कठुआ में, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि दो दो मिनिस्टर जो है हिंदुस्तान के झंडे लेकर, तिरंगे झंडे का गलत मिसयूज करके, और वो अक्यूज पार्टी के साथ खड़े होते हैं। मुझे इस चीज़ का नहायत ही अफसोस है, और ये बात जो है मैं अफसोस से कहना चाहता हूँ कि वो इसीलिए कि वाहिद तंग नजर ने मुझे काफिर जाना और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूँ मैं। गुजरों की कुछ ऐसे ही हालत है, कश्मीर में इनको गुजर समझ के मारा जाता है और जम्मू में मुसलमान समझ के मारा जाता है। सर, आपका पुंछ से ताल्लुक है, ग्राउंड से भी आप जुड़े हैं, लोगों के साथ भी आप जुड़े हैं, लोगों की जो ग्रेवियंस है वो भी आप सुनते हैं, तो बैक टू विलेज का जो अभी सरकार की तरफ से तीसरा मरहला किया गया वो भी कहीं ना कहीं जो है एक फोटो शो की तरह जो है अभी तक दिख रहा है, तो उस पे आपका क्या कहना है? क्या सरकार अभी तक जो सेंटर के अंडर है, क्या वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कामयाब है या नहीं है? ये तो रियाज साहब, जो बैक टू विलेज प्रोग्राम है, इस पर मैंने एक किसी और इंटरव्यू में भी कहा था कि बैक टू विलेज जो फर्स्ट फेज था, ये तो इंट्रोडक्टरी फेज था और लोगों से इंटरेक्शन था और पता करना था कि क्या लोगों के मसाइल हैं, लेकिन फेज सेकंड में जब ऑफिसर्स को भेजा गया था तो वो इंश्योर उनको करना चाहिए था कि जो काम वो प्रायोरिटी पे लोगों से लिख के लाए थे, लोगों से पूछ के आए थे, तो 10 में से 5 काम या 5 में से 2 काम होने चाहिए थे। जब वो 2 काम हो जाते तो फिर इनको फेज थर्ड में ऑफिसर को गाँव में भेजना चाहिए था। जैसे मैं आपने गाँव की मिसाल देता हूँ कि कल कटक में एक स्कूल टीचर भेज दिया इन्होंने, अब स्कूल टीचर ने बेचारे ने 2-4 काम लिखे, वो डीसी साहब को दे दिया तो डस्टबिन में कहीं फेंक दिया होगा, मुझे पूरा यकीन। और वो अकल कटल में आज तक 3 फेस हो चुके हैं, एक सिंगल काम नहीं हो सका है। ये मैं ऑफिसर की नलायकी समझूं, ये मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ की नलायकी समझूं, ये मैं जो ऑफिसर वहां पर गया था उसकी नलायकी समझूं, मुझे सख्त अफसोस से कहना पड़ता है ये जो बैक टू विलेज है इट्स ए टोटली फेलियर, टोटल फेलियर। ये थे अश्ताक भट्टी साहब, जिनसे हमारी तफसीलन गुफ्तगू हुई 370 के बारे में, राजौरी पुंछ के एरिया की अगर बात करें टूरिज्म पे तो वो भी बात हुई। तो कहीं ना कहीं जो है लोग अभी भी निराश नज़र आ रहे हैं, और अभी भी इन लोगों का ये कहना है कि ग्राउंड्स के ऊपर जो कोई डेवलपमेंट की अगर बात करें तो किसी तरह का भी कोई काम नहीं हो रहा है, अनएम्प्लॉयड जो है वो दिन ब दिन जो नौजवान हैं वो जो हैं रोड्स के ऊपर आ रहे हैं, लेकिन सरकार इस चीज़ को लेके संजीदा नज़र नहीं आ रही है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, आप बने रहिए मज़ीद खबरों के लिए द एक्सेस पॉइंट के साथ। शुक्रिया।